चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत राज चुनाव 2020 में सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 26 और एवं पादरा से भाजपा, कांग्रेस एवं बीटीपी समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी प्रचार हेतु उतरे चुनावी मैदान में। वार्ड नंबर 26 में सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु 7 गांव सम्मिलित है और गामडा चारणिया, हनेला, कोपड्डा, पादरा, झरेलिया एवं भीमदडी, इन 7 गांवों की जनसंख्या इस प्रकार है। और की जनसंख्या 1294, गामडा चारणिया की जनसंख्या 808, हनेला की जनसंख्या 1052, कोपड्डा की जनसंख्या 894, पादरा की जनसंख्या 2901, झरेलिया की जनसंख्या 799 एवं भीमदड्डी की जनसंख्या 752। कुल मिलाकर इन 7 गांवों की 8500 जनसंख्या है, जिसमें सर्व समाज के लोग निवास करते हैं। वर्तमान के सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 26 में सामान्य महिला सीट आवंटित हुई है, इसलिए सभी पार्टियों ने अपने भरोसेमंद महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। और एवं पादरा से पंचायत समिति सदस्य हेतु भारतीय जनता पार्टी ने रंभा कचरो पाटीदार निवासी और पर विश्वास जताते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने धुलीवाल जी पाटीदार निवासी और को टिकट दिया है। इसके अलावा बीटीपी समर्पित निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। भागेला फलाउर निवासी पिंकी डामोर भी बीटीपी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वार्ड नंबर 26 से चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में रविवार 22 नवंबर को बीटीपी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार पिंकी डामोर के समर्थन में बीटीपी ब्लॉक अध्यक्ष अमृतलाल परमार, बील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जिला महामंत्री ललित कुमार ननोमा, राजेश ननोमा, बील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा राजेश डुडियार, ईश्वरलाल मनात, बंसी डामोर, पंकज भगोरा एवं शांति लाल ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रधान एवं जिला प्रमुख बीटीपी की तरफ से बनने का दावा किया। इसके अलावा पार्टी के बड़े पदाधिकारियों ने वार्ड नंबर 26 और एवं पादरा से बीटीपी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार पिंकी डामोर के समर्थन में वोट करने का आग्रह किया। जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव चल रहे है उसके अंतर्गत बहन पिंकी जो खड़ी हुई है वार्ड नंबर 26 से उम्मीदवार है, इसी विषय में हमारे यहाँ पे कुछ भाई बंद आए हैं जो अपनी बात रखेंगे इसी विषय में। भाई साहब, एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है अमृतलाल परमार, बीटीपी ब्लॉक अध्यक्ष। और सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और सर हमारे बीटीपी जो पार्टी है हमारे, वो हमारे विकास के मुद्दों पे काम करेगी। दबे कुचलों जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम करेगी। कांग्रेस और बीजेपी ने 70 सालों से हमारे आदिवासी भाइयों, गरीब भाइयों को शोषण करने का काम किया। वोट के नाम पर राजनीति करके उन्होंने बारी बारी हमेशा राज किया है और वोट लेने का काम किया है। तो विकास के नाम पर कोई भी काम उन्होंने अभी तक नहीं पहुंचाया है। आज दिन तक हमारे गरीब भाई रोजगार के नाम से परेशान है, विकास के नाम पर वंचित है। किसी प्रकार का कोई भी आज दिन तक सही विकास नहीं पहुंचा, ये हमारे हमेशा मांग रही है। उस मांग पे आज भी हम कर रहे हैं। और हमारा तीसरा मोर्चा जो बीटीपी के रूप में आज उभरा है, उसी का कारण भी यही है कि परेशानी और हर समय से हमारी यही परेशानी रही। इसलिए आज गरीब भाई उठ खड़ा हुआ है और हमारे साथ आज भी कंधे से कंधे मिला के साथ भी खड़ा है। और आगे भी हम बहुत बड़ा काम करेंगे और हमारा बीटीपी का प्रधान किसी भी सूरत में हम बिठाएंगे। और हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य भी हमारे पूरी तरह से हम जीतेंगे और प्रधान बिठाएंगे और जिला परिषद और जिला प्रमुख बिठाएंगे हम। सर बताइए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है आपके यहाँ? हमारे विकास के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। और हमारे जो
गरीब भाई है उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनकी मांग 100% मिलनी चाहिए। हम उस मुद्दों पे हम बात करके हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और हमारे जो आदिवासियों के विचार है वो सार्वजनिक करने की जो आप कोशिश करते हो, इसके लिए मैं संपादक महोदय आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं ठाकरड़ा वार्ड जिला परिषद का प्रभारी हूँ। आज हमारे क्षेत्र में, पूरे संभाग में देखो आप, जिस तरह से हमारे समाज में विगत कई 2-4 सालों से हमारे लोगों के साथ जितना अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, चाहे नौकरियों में देखो या विकास में देखो या किसी भी प्रकार की बात में देखो आप, कि हमारे लोगों पर जितना भी अत्याचार कुठाराघात हुआ है, यही हमारे मुद्दे हैं। लेटेस्ट बात ये है, अभी 2 महीने पर पहले जो काकरी डूंगरी कांड हुआ, इसमें हमारे 1167 बेरोजगार युवा को जिस तरह से यहाँ की स्थानीय जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने मिल करके प्रशासन के साथ हमारे लोगों, हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, इनको दौड़ा दौड़ा करके जेलों में बंद किया है, हमारे लोगों को गुमराह किया है, हमारे लोगों पर मुकदमे किए हैं, यही हमारा पहला मुद्दा है इस क्षेत्र का। इसी मुद्दे पे हम जो है हमारे समाज को जगाएंगे और इस क्षेत्र की जो हकीकत है वो आपके सामने पेश करेंगे हम। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले, दो महीने पहले हमारे यही लोगों को सोनार माता, जो बीटीपी के झंडे के नाम से इन लोगों ने फंसाया, जेल करवाई, इस प्रकार की कई सारी बातें हैं। हम भूलने वाले नहीं हैं और हमारा इस क्षेत्र का शिक्षित बेरोजगार युवा जो है वो जाग चुका है, इन दोनों पार्टियों का सफाया करने के कगार पर है। अभी आप ये हमारी बात आम जन तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपको। अब हमें किसी भी कीमत पर सागवाड़ा में प्रधान बिठाना है तो बिठाना, जिला प्रमुख डूंगरपुर में बिठाना तो बिठाना, यही लक्ष्य लेकर के हम आगे चल रहे हैं। मैं फिर से आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात को सभी के सामने पेश करेंगे। और हम जो है हमारी सामाजिक पार्टी सभी की बात करते हैं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी की बात करते हैं, तो हम जो जितने भी दबे कुचले लोग हैं वो साथ में रहकर संगठित होकर हमारी आवाज़ को उठाएंगे तो बेहतर रहेगा, यही कह के मैं आपको, आपके चैनल को जोहार करता हूँ। धन्यवाद। उम्मीदवारों के समर्थन में आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत ओड हनेला में, जो हमारे सामने है। भाई साहब परिचय बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राजेश डोडियार, ग्राम पंचायत ओड और गाँव ओड। राजेश जी बताइए, आप वरिष्ठ हो और आप पूर्व में यहाँ से चुनाव भी लड़ चुके, तो बताइए आपने कहाँ से चुनाव लड़ा? सर मैंने ग्राम पंचायत ओड से चुनाव लड़ा था, पंचायत चुनाव में सरपंच का, और हार और जीत तो वो तो होती रहती है, पर अच्छे वोट भी लिए थे, लोगों के समर्थन से मेरे को अच्छा सहयोग मिला, और ये जो भाई मेरे पास में खड़े हैं उन सबका सपोर्ट रहा, तो मैं चुनाव लड़ा था। और अभी मैं पिंकी डामोर के समर्थन में भारतीय ट्राइबल पार्टी से और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अभी मैदान में है, 26 नंबर वार्ड ओडपात्रा से, तो हम उनके समर्थन में सपोर्ट में हैं। हमारे समाज की सामाजिक यूनिट बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की छात्र इकाई से मैं राजस्थान प्रदेश सदस्य हूँ। भाई साहब बताइए, आपके क्षेत्र में कौन कौन से गांव और कौन कौन सी पंचायतें आती है? हमारे क्षेत्र में मेरे 26 नंबर वार्ड में 2 पंचायतें हैं, ओड और पादरा, जिसमें ओड में 4 राजस्व गांव हैं, ओड हैं, हनेला हैं, गामड़ा हैं और कोपड़ा हैं, और पादरा पंचायत से पादरा हैं, जरेलिया हैं और भीमदड़ी है। लोगों को हमारे यहाँ के जो हेलो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके हमको, हम ये मैसेज देना चाहते हैं उनको, और ये मैसेज लगभग हर जगह ये पहुंच चुका है हमारे ट्राइबल एरिया में,
कि आज दिन तक जो विकास के नाम पर जो लोग कांग्रेस बीजेपी के जो लोग वोट ले रहे थे उन लोगों के सामने आज एक चुनौती है। तो चुनौती जो बन के उभरी है वो हमारा आदिवासी समाज है और समाज के मार्फत से ये भारतीय ट्राइबल पार्टी है। तो हम भारतीय ट्राइबल पार्टी को तवज्जो न देते हुए हम हमारे समाज को तवज्जो दे रहे हैं। तो समाज के मार्फत से ये सभी सीटों पे निर्दलीय हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी से निर्दलीय उम्मीदवार हम चुनाव लड़ा रहे हैं। और यहाँ पे 10 पंचायत समिति है डूंगरपुर जिले में। तो 10 और 10 पे हम ये कहना चाहते हैं कि 10 और 10 पे हम प्रधान बिठाएंगे और डूंगरपुर जिले का जिला प्रमुख भी हम भारतीय ट्राइबल पार्टी का बिठाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं। सर, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? हमारे विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिंकी डामोर को समाज ने टिकट दिया है तो समाज का मान सम्मान और लोगों का साथ सहयोग से हम पिंकी डामोर को हर हाल में यहाँ से जिता के छोड़ेंगे पंचायत समिति सदस्य के लिए, और सागवाड़ा में प्रधान हम किसी भी हाल में बिठाएंगे, ये हमारा कहना है। अंत में मैं मेरे ग्राम पंचायत दोनों पंचायतों के सभी सर्व समाज के लोगों को और हमारे समाज के लोगों के साथ मेरा यही निवेदन है कि जिला पंचायत समिति सदस्य के लिए पिंकी डामोर को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए एवं जिला परिषद वार्ड ठागड़ा 17 नंबर वार्ड से दिलीप जितेंद्र डेंडोर हैं तो उसे भारी मतों से विजय बनाए एवं डूंगरपुर जिले की तमाम पंचायत समिति और संभाग भर के जितने भी हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी के जितने भी उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में जो खड़े हुए हैं उनको भारी मतों से विजय बनाए। एकता समाचार को एक बार पुनः जोहार, लाख लाख जोहार, धन्यवाद। जिला परिषद के चुनाव चल रहे, जिला परिषद और पंचायत समिति में आपकी पत्नी को टिकट मिला है, तो सर बताइए लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? पहला तो मैं आपका चैनल का जय जोहार कर रहा हूँ। मेरा नाम है अशोक डामोर। सर, आपकी पत्नी को कौन से वार्ड से टिकट दिया गया है बताइए? मेरी पत्नी को वोट पादरा से 26 नंबर वार्ड से टिकट दी है समाज वाले ने। सर बताइए, आपके पंचायतों के नाम बताइए, गांव और पंचायत में आप कहाँ कहाँ चुनाव लड़ रहे हो और कहाँ के उम्मीदवार? हमारे यहाँ ओड पादरा में चुनाव हो रहे हैं, हनेला, गामड़ा चारणिया, कोपड़ा और बिंदड़ी और पादरा और जरलिया। मेरी समाज ने टिकट दी है मेरी पत्नी को, इसको मेरे समाज वालों को बहुत बहुत जोहार करता हूँ। उसको जोहार करता हूँ कि सभी बारी वोटर से हमको विजय बनाए। पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं, आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत ओड का एक फला है हनेला, हनेला में उम्मीदवार आपके सामने है। बेना बताइए, आप नाम है? मेरा नाम पिंकी देवी डामोर। कहाँ के निवासी हो बेन? हनेला। हनेला, आपको कौन सी पार्टी ने टिकट दिया है? बीजेपी नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रही हूँ। बोन बता दो, अपने कौन कौन से गांव आते हैं आपके क्षेत्र में, आप जहां से उम्मीदवारी कर रहे हो? ओड में ओड हनेला, गामड़ा और कोपड़ा, पादरा में पिंदड़ी, जरलिया, पादरा। आप उम्मीदवार हो तो किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो? विकास के मुद्दे पे। मैं जीतूंगी तो सागवाड़ा में प्रधान भी हम बैठाएंगे और जिला प्रमुख भी हम बैठाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा 3रा नंबर बटन है उसको दबाएं।